ऑटो पे सीसीटीवी लगाना, काई वाला रियल जूस पिलाना, एक ऑटो में 17 लोगों को बिठाना, इज दिस रियली पॉसिबल? वेट अ मिनट, दैट्स अ सीसीटीवी। आजकल गाड़ियों पर और हेलमेट्स पर कैमरास लगाना एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है, सो आई थिंक दैट्स लीगल। बट प्रॉब्लम एयर इज कि ये जो सीसीटीवी है, जो कैमरा है ऑटो पर, ये मुझे ट्रेडिशनल वाला लग रहा है, जिसके लिए प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती है, डीवीआर की जरूरत होती है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इस ऑटो वाले ने डीवीआर कहाँ लगवाया होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर ये कैमरा मेमोरी कार्ड वाला है तो इसको चुराना बहुत ही आसान होगा। वेट, दैट्स इलीगल। अगर पुलिस वाले से ऐसे भागोगे, पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी नहीं करने दोगे, तो एज पर सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये इलीगल है, और इसके लिए इस आदमी को 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। That's illegal. ये ठेले वाले को तो चोट लगेगी लगेगी, लेकिन इस ठेले के सामने अगर कोई आ गया तो उसको भी चोट लगेगी, क्योंकि इस ठेले में ब्रेक तो है ही नहीं। ये एक क्राइम है जिसके लिए इन तीनों को सेक्शन 279 ऑफ इंडियन पिनल कोड के हिसाब से 6 महीने तक की जेल हो सकती है। वेट अ मिनट, दैट्स लीगल, क्योंकि ये साइकिल है, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में नहीं आती, साइकिल इज नॉट अ मोटर व्हीकल। ओके, सो साइकिल में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट इस तरह की मॉडिफिकेशन किसी बाइक या किसी कार में मत करना, चलान कटेगा। बाप रे बाप, जितना वोल्टेज होगा ना इस तार में, अगर इसकी चपेट में कोई आ गया तो वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा, और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई इंसान मर जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। एज पर लॉ सरकार कंपनसेट करेगी, बिकॉज कानून के हिसाब से इस तरह के हादसों को रोकने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। दैट्स इलीगल। जैसे एक गाड़ी खड़ी हुई है, सबको दिख रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है रुक रहा है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो इसको सेक्शन 201 मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से ₹500 पर आवर का फाइन देना पड़ सकता है। अब नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई कोई चलान काटने वाला पुलिस वाला तो है नहीं, तो चलान लगाएगा कौन, लेवी कौन करेगा? तो इसलिए कई स्टेट्स की ट्रैफिक पुलिस ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिससे आप उसी वक्त इनकी फोटो खींचकर इनके घर पे चलान पहुंचवा सकते हो। वेट, इट्स अबाउट टू क्रैक, बट पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए, कोई टू व्हीलर ना आ जाए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। गया, सो शुक्र है कि कोई पीछे से गाड़ी नहीं आई, कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर इसमें नहीं गिरा, बट ये कम्प्लीटली इलीगल है, बिकॉज आपके एरिया की, आपके स्टेट की जो म्युनिसिपल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के हादसों को वो रोके, प्रॉपर चेक्स करें। एंड साफ देखा जा सकता है कि जब ये रोड बना होगा ना, तो इसके अंदर बहुत घुसखोरी हुई है। ओके, सो लेट्स सी दिस, दैट्स कम्प्लीटली एन एक्सीडेंट। अब उसकी वजह है कि एक्सीडेंट क्यों है, सब कुछ लीगल है इस वीडियो में, क्योंकि एक तो कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल यहां पर वायलेट नहीं हुआ है। सेफ्टी प्रोटोकॉल इन द सेंस कि जिस व्यक्ति की गाड़ी में आग लगी है, ना ही उसका इंजन ऑन था जब वो पेट्रोल भरवा रहा था, ना ही कोई वो मोबाइल फोन यूज कर रहा था कि जिसकी रेडिएशन की वजह से आग लगे। बट आई सल्यूट टू दिस लेडी, क्योंकि जब अपनी जान पर आती है ना, तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि 10 या 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाता है। एक ऑटो में 17 लोग, इमेजिन कर सकते हो, आ सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे पहले जवाब था नहीं आ सकते, लेकिन इस वीडियो को देखो, एक ऑटो में 17 लोग भरे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर एक व्हीकल की, हर एक गाड़ी की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा उसको ओवरफिल कर दोगे पैसेंजर से या सामान से, वो पलट जाएगा, या ट्रक पलट जाते हैं, टेम्पोस पलट जाते हैं, ये तो फिर भी ऑटो है। लेकिन इस ऑटो वाले को कोई लेना देना नहीं, उसको अपने भाड़े से मतलब है। सोचो अगर ये ऑटो पलट गया तो जितने भी पैसेंजर है सब मारे जाएंगे, और इसमें बच्चे भी हैं, एंड इसको डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में डाला जा सकता है। सेक्शन 184 मोटर व्हीकल्स एक्ट, ₹5,000 तक का फाइन या 1 साल तक की जेल इसे होनी चाहिए। इस बच्चे ने तो क्लास में टोटका ही कर दिया। अब यह नहीं पता कि वो किसी लड़की के लिए किया है या मार्क्स के लिए किया है, वो तो यही जाने, लेकिन क्या लीगल एक्शन लोगे आप किसी बच्चे पे, किसी स्टूडेंट पे क्या लीगल एक्शन लोगे माइनर पे? सो मेरे हिसाब से इसके अंदर तो सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो, टीसी कार्ड दो, पेरेंट्स को बुला लो, बट लीगल एक्शन लेना, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट पर ठीक बात है। दैट्स इलीगल। ऐसे लोगों से मैं पर्सनली खुद बहुत परेशान हूँ, रोड पर आए दिन इनको देखता हूँ, मना भी करता हूँ इशारे से, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रहती है। ये खुद तो मरेंगे क्योंकि जिस तरह से ड्राइव कर रहे हैं ना, और किसी सामने वाले को भी मार देंगे जो सही चला रहा होगा गाड़ी, क्योंकि इनका बैलेंस तो हो नहीं पाएगा। एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, ठीक है, सो दैट्स डेंजरस ड्राइविंग। सेक्शन 184 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से इस इंसान को ₹5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है, नहीं मानेगा 1 साल तक की जेल करा बैठेगा अपने आप। मैं इस तरह की वीडियो से बहुत परेशान हूँ, आए दिन मेरी फीड में आ जाती है, और पीछे कोई हरियाणवी गाना चल रहा होता है, बात छोरा करदा नहीं फलां ढिमका। इस लड़के ने ईंट या पत्थर जैसी चीज कुछ उठा के मारी है, सो इट्स इलीगल, राइट? इसने गाड़ी का भी नुकसान किया है और अटेम्प्ट टू हर्ट भी किया है। आजकल वो पेटीएम स्पूफ बहुत ज्यादा चल रहा है, वो फेक पेटीएम की ऐप होती है जिसमें दिखा देते हैं कि अभी पेमेंट हो गया, लेकिन पेमेंट होता नहीं है। सो इस तरह का अगर आप काम करते हो या कोई
करता हुआ पकड़ा जाता है तो आपको सबसे पहले 100 नंबर पे फोन करना है और उसको पुलिस के हवाले कर देना है, बिकॉज ये 400BC है, कहते हैं ना 400BC, सो 400BC इज अ सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसके लिए मैक्सिमम 7 साल तक की जेल हो सकती है, सो प्रॉपर केस बनता है। डॉक्टर हैं आप जी? कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं है, प्रैक्टिशनर है। क्वालिफाइड ही नहीं है वो। कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा कट आउट दिया जाता है, जैसे पानी चढ़ा रहे हैं। That's illegal. अगर किसी डॉक्टर को इंडिया में मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिस करनी है, उसको लोगों का इलाज करना है, अपना क्लिनिक खोलना है, तो इसके लिए उस डॉक्टर का इंडियन मेडिकल रजिस्टर में नाम रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इंडिया में मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और इस व्यक्ति के पास तो मेडिकल एजुकेशन भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है। सो ऐसे डॉक्टर्स से दूर रहे जो अपने आपको डॉक्टर्स बताते हैं, अपने आपको वैद्य बताते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्होंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है। अक्सर इस तरह की वीडियोस मैंने देखी हैं कि कुछ मंगाते हैं, उसके अंदर सामान होता नहीं है, साबुन होगा या कुछ होगा, फिर डिलीवरी वाले को पकड़ेंगे, डिलीवरी वाले को मारेंगे। एक बात बताओ मुझे कि ये प्रॉपर एक चेन है? डिलीवरी वाला सिर्फ आपको डिलीवरी करने आया, राइट? गलती आपकी है, आप उस डिलीवरी वाले को क्यों मार रहे हो? आप पहले तो डिस्काउंट के चक्कर में फंसते हो, आपको पता है रिटर्न पॉलिसी नहीं दे रहा वो सेलर जेन्युइन नहीं है, रिव्यूज खराब है, बट फिर भी आप बाय करते हो, आप लालच में, आपके लालच की वजह से आप फंसे हो। दूसरी चीज, इस डिलीवरी वाले का कोई दोष नहीं है, कंपनी ने इसको बोला सामान को दे के आओ, ये देने आया है। रही बात फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट को गाली देंगे, फ्लिपकार्ट इज अ प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर्स आते हैं, तो गलती सेलर की है। हाँ, आप कोर्ट जाओगे, फ्लिपकार्ट को पार्टी बनाओगे, बट गलती किसकी है इसके अंदर? एक सेलर की जो चीटिंग कर रहा है आपके साथ, और दूसरी चीज आपकी, कंज्यूमर लॉ में कहते हैं बायर बिवेयर। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजों को जांचो, परखो और फिर खरीदो। आप फंसते हो अपने लालच की वजह से। सो किसी डिलीवरी वाले को मारो पीटो मत यार, वो अपना काम कर रहा है, वो आपका विटनेस बन सकता है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप फ्लिपकार्ट और सेलर को पार्टी बना के कोर्ट लेके जाओ। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने बड़े ब्रांड के जूस के डब्बे के अंदर, रियल के जूस के डब्बे के अंदर टाई निकलेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये डब्बा अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि जो डेट है इस डब्बे पे हुआ है 4th of August 2022, एंड जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आज है 3rd of August 2022, मतलब टेक्निकली इस जूस को कल एक्सपायर होना है, मतलब टुमारो, नॉट यस्टरडे, टुमारो। ये इलीगल है, आप पैसे खर्चते हो अच्छे सामान लेने के लिए, आप पैसे खर्चते हो अच्छी सर्विसेज लेने के लिए, इस तरह की काई वाली चीजें लेने के लिए नहीं। सो आप कंज्यूमर फोरम अप्रोच कर सकते हो और आपको अच्छा खासा कंपनसेशन डेफिनेटली मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो। दैट्स ऑल।